डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि अपने स्वयं पाक घर में है मेथी का दाना। आप इसको किसी को भी बता सकते हैं, जिसको भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उसको आप बोलिए मेथी का दाना खाना। अब कैसे खाना, खाने का तरीका है बहुत जरूरी, वो ही बहुत महत्व का है। वैसे तो मेथी का दाना है पाउडर बना के आप ले सकते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है डायबिटीज के। सबसे अच्छा तरीका है मेथी के दाने को रात में पानी में डालना, एक चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में रात को डालना, रात्रि पर्यंत उस पानी को रखना, सुबह सुबह सोकर जब उठे तो वो दाने का पानी पहले पीना, पीछे से वो दाने को चबा चबा के खाना, ये तरीका है। एक चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में रात को डालना, सकाड़ी वो पानी को पीना, पीछे से दाने को चबा के खाना, ये तरीका है। अगर किसी ने भी 3 महीने ये कर लिया उसकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी, बिना इंसुलिन के, बिना एक पैसे के खर्च। मेथी का दाना बहुत सस्ता मिलता है, हर घर में है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। मेथी के दाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मेथी के दाने की एक्सपायरी डेट भी नहीं, कोई एक्सपायरी डेट। सब्जी करें तो अच्छी है लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सब्जी खाएं मेथी के दाने की तो 6-7 महीने खानी पड़ेगी तब जाके डायबिटीज ठीक होगी, लेकिन दाना पानी में डाल के अगर 3 महीने ही खा लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको जैसा लगे वैसा कर लीजिए। आप मेथी दाने को पाउडर बना के पानी में मिला के भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा 5-6 महीने करना पड़ेगा तब असर आएगा। दाने को सीधे पानी में डाल के चबा के खाएंगे असर 3 महीने में ही आ जाएगा। अब जो आपको पसंद हो आप कर लीजिए। मेथी के लाड़ू जरूर खाइए, जरूर खाइए। मेथी के लाड़ू बनाइए गाय के तूप में और गुड़ में, गुड़ गाय का तूप और मेथी के लाड़ू बनाइए, भरपूर खाइए। सर्दियां आ जाएं तो रोज खाइए। 3 महीने सर्दी चलती है, कभी कभी 4 महीने भी चलती है, तो सर्दी के दिन रोज एक मेथी का लाड़ू जरूर खाइए। और ये मेथी का लाड़ू उनको तो अच्छा ही है जिनको डायबिटीज है। मैं आप सबको माताओं बहनों को एक जानकारी दे देता हूं, ये मेथी का लाड़ू इतनी अच्छी दवा है, ऐसी किसी भी आई के लिए जिसको सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, आजकल बहुत होता है, आजकल तो जब भी मैं किसी से पूछता हूं सबको ही सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं, क्यों? ये डॉक्टरों की बेईमानी और हरामखोरी का प्रमाण। मैं आपको हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। ये पता है डॉक्टर क्या करते हैं? आई को डराते हैं। आई को गर्भावस्था है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो डराना शुरू कर देता है, ओ आपको कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, मर सकता है, पैसेज बहुत छोटा है, शरीर में कैल्शियम कम है, आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अभी तो बच्चे को काट के ही निकालना पड़ेगा। तो आई को डराते हैं, आई के घर वालों को डराते हैं, वो बेचारे सब तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर का धंधा चल पड़ता है। अगर डिलीवरी नॉर्मल हो तो डॉक्टर को 500-700 रुपए मिलेगा, और अगर उसने सीजर कर दिया तो 40-45 हजार रुपए तो बन गया उसका। अक्सर क्या होता है, जो आई को सीजर होता है उसको तकलीफें क्या है ये डॉक्टर कभी नहीं जानता और समझता भी नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, सीजरियन के बाद आई का जो गर्भाशय है वो अपने स्थान से हट जाता है कई बार। उस बीमारी का नाम है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का अपने स्थान से हटना। और अगर ये हट गया तो डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं, फिर वो बोलता है आगे, पता है क्या बोलता, अरे अब तो ये हट गया है, इसकी कोई औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है, अभी क्या करें? आप बोलोगे क्या करें, इसको काट के निकालो। अब उस मूर्ख डॉक्टर को ये पता है, पूछने की जरूरत है कि अगर इसको काट के ही निकालना है तो भगवान ने दिया क्यों? और जो आई को गर्भाशय कट करके निकाल दिया डॉक्टर ने, उस आई को जिंदगी भर त्रास होगा, उसकी कोई दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। क्यों? गर्भाशय बहुत बड़े काम करता है शरीर के लिए,
वो सारे काम रुक जाते हैं गर्भाशय काट के निकाल देने के बाद। आई के शरीर का हार्मोनल बैलेंस पूरा टूट जाता है, और हार्मोनल बैलेंस टूटेगा तो आई को जिंदगी भर पीठ का दर्द होगा, जिंदगी भर, वो मरने के बाद ही जाएगा। फिर उस आई को ये जांघा का दर्द होगा, फिर मुर्गे का दर्द होगा, फिर यहां कंधे का दर्द आ जाएगा, फिर जिंदगी भर ये दर्द में तड़पते तड़पते आई चली जाएगी। डॉक्टर के पास फिर दोबारा जाएंगे तो कहेगा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी आप सभी को एक विनती है कि आपके घर में कोई आई को गर्भावस्था है तो डॉक्टर की बात भूल के भी मत सुनिए। वो कहता है ऑपरेशन कराओ, कहते हैं कि नहीं करेंगे तो वो आपको डराएगा, बच्चा मर सकता है, तो कहना भगवान के हाथ में है मरना और जिंदा होना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं। जिसको मरना है मरेगा, जिसको जिंदा रहना है वो रहेगा, तुम तुम्हारी अपनी बात अपने पास रखो, हम हमारे घर में काम कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि फिर हम करें क्या? ऐसी स्थिति में ये जो मैथी के लड्डू है ना, ये बड़े काम की चीज है। जिस आई को गर्भावस्था में मैथी के लड्डू आपने थोड़े दिन भी खिला दिए, मेरी गारंटी है कि उसको सीजरियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैथी के लड्डू पीछे से आवाज आई, जरूर खाइए, और उस आई को खिलाइए जिसको गर्भावस्था है। और इससे भी ज्यादा जरूरी एक और माहिती दे देता हूं कि अगर किसी आई को किसी कारण से यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हो गया, गर्भाशय अपने स्थान से हट गया, तो उसकी दुनिया में एक ही दवा है और वो यही है मेथी के लड्डू, उसके अलावा कोई दवा ही नहीं है उसकी। तो जिस आई को गर्भाशय अपने स्थान से हट गया है उसको नियमित रूप से मेथी के लड्डू खिलाइए। लड्डू बनाना आप सब जानते हैं, मेथी के लड्डू नियमित रूप से अगर आपने खिलाए गाय के दूध के साथ, तो 3-3.5 महीने के अंदर आई का गर्भाशय वापस अपने स्थान पर स्थित हो जाता है और उसकी जिंदगी में जो त्रास होने वाला है वो सब दूर हो जाता है। इसलिए मेथी जो है बहुत अद्भुत औषधि है, अपने घर में जरूर रखिए। डायबिटीज के लिए काम आती है, आई को गर्भावस्था में काम आती है, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की सबसे अच्छी दवा है, और यही मेथी और भी कई रोगों में काम आती है। और क्या रोगों में काम आती है? अगर आपके शरीर में वात से संबंधित कोई भी रोग हो गया तो ये मेथी ही सबसे अच्छी औषधि है। वात से संबंधित रोग, गुर्दे दुखना, ये वात का रोग है। ये टांच दुखना वात का रोग है। एड़ी में दुखना ये वात का रोग है। हड्डियों में जॉइंट्स में दुखना ये वात का रोग है। कंधे में दुखना वात का रोग है। मनके का त्रास वात का रोग, ये सभी वात के रोग की सबसे अच्छी औषधि यही है मेथी का दाना। खाने का तरीका मैंने बता दिया, एक चम्मच रात को एक गिलास पानी में डालिए, सुबह उठकर वो पानी पीना है, पीछे से मेथी दाना चबा चबा के खाना। इसी मेथी दाने से और भी एक रोग ठीक होता है, वो रोग क्या है? रक्त के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो इसी मेथी के दाने की ताकत है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। माने आपने बहुत दिन डालडा खाया है और बहुत दिन सोयाबीन तेल खाया और बहुत दिन रिफाइंड तेल खाया, तो थोड़े दिन अब मेथी का दाना खा लो तो आगे की जिंदगी ठीक रहेगी। जितने दुष्परिणाम हुए हैं डालडा खाने से, रिफाइंड तेल खाने से, उन सबको बाहर निकालने की ताकत इसमें है, मेथी के दाने में। रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जिसको एलडीएल कहते हैं, वीएलडीएल कहते हैं, उसको कम करने की सबसे ज्यादा शक्ति मेथी के दाने में है। तो मेथी का दाना उस रोग में भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल आप समझते हैं, ये वही बीमारी है जिससे हृदय घात आता है, ये वही बीमारी है जिससे डायबिटीज होती है, तो मेथी का दाना इसमें भी चलता है। और एक बीमारी में मेथी का दाना काम आता है, और वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। रक्त का दबाव ऊंचा हो गया, जिनको भी रक्त का दबाव ऊंचा हो गया उनको कहिए मेथी का दाना खाओ, 10 से 15 दिन में ही रक्त का दबाव सामान्य हो जाता है। बिल्कुल नहीं करता, अगर वायु का रोग आपको है तो मेथी का दाना बिल्कुल गर्म नहीं करता। जिनको स्वस्थ है शरीर उनको गर्म करेगा, लेकिन जिनको वायु का रोग है उनके लिए तो वो सबसे अच्छी औषधि है मेथी का दाना। 3 महीने ले लीजिए, सामान्य रूप से सभी रोगों में 3 महीने आप ले लीजिए। 3 महीने से ज्यादा लगातार मेथी दाना लेने की कभी भी जरूरत पड़ती नहीं है, 3 महीना मैक्सिमम होता है, 90 दिन काफी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेथी का दाना,
शरीर का ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए मेथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मेथी का दाना, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेथी का दाना, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट ठीक करने के लिए मेथी का दाना, ऐसे ऐसे मैंने 48 रोगों में उपयोग किया है मेथी का दाना, सभी रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम। मेथी दाने का पानी लेने के बाद चाय दूध पीना हो तो? नहीं, एक घंटे तक नहीं, एक घंटे बाद। मेथी दाना पीने के, खाने के एक घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं, चाय ना पिए तो अच्छा, क्योंकि चाय और मेथी दाने की दुश्मनी, मेथी दाना और चाय की दोस्ती नहीं है, मेथी दाना और चाय की दुश्मनी है। तो आप बोलेंगे चाय की जगह क्या पिए, दूध पी लो, दूध और मेथी दाने की दोस्ती, दूध की जगह ताक पी लो, ताक और मेथी दाने की दोस्ती है, दही खा लो, ताक पी लो, और जूस पी सकते हैं कोई भी, चाय पियोगे तो मेथी दाने का असर कम होता है चाय से, चाय का असर मेथी दाना कम करता है, मेथी दाने के असर को चाय कम करता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। तो मेथी दाने का आप कभी भी जीवन में उपयोग करिए, बहुत अच्छे परिणाम। और आप बोलेंगे जी हम तो सब बीमारियों से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? आप भी चाहें तो ले सकते हैं, बीच बीच में थोड़े दिन छोड़ छोड़ कर। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति मेथी दाना खाना चाहता है, इसके लिए कि भविष्य में उसको कोई बीमारी ना हो, तो 15-20 दिन लगातार खाओ, फिर 15-20 दिन का गैप दे दो, फिर 15-20 दिन खाओ, फिर गैप दे दो, फिर खाओ, फिर गैप दे दो, ऐसा करके आप खा सकते हैं। सर पुदीना खाने से क्या फायदा? एक मिनट रुक जाइए, मेथी दाने की बात चल रही है, आप पुदीना में पहुंच गए। मेथी दाने को स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, लेकिन बीच बीच में छोड़कर, लगातार उसे नहीं खाना चाहिए, लगातार उसी को खाना चाहिए जिसको बीमारी है, ठीक है। अब इस मेथी दाने के कुछ और उपयोग भी बता देता हूँ, बहुत अद्भुत है। गायत्री परिवार के जीवन कल्प शुरू करके मेथी का दाना, गोमूत्र और देसी गाय के द्वारा दही आती है, हाँ ले सकते हैं। गायत्री परिवार की मिलती बाजार में, वो अच्छी है, आप भी उसे बना सकते हैं। वो कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। देशी गाय का मूत्र ले लीजिए, उसमें मेथी दाना डाल दीजिए, रात्रि पर्यंत उसको रखा रहने दीजिए मूत्र में, सवेरे उस मूत्र में से मेथी दाना निकाल लीजिए, और जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो ऐसी छाव में, सावली शायद मराठी में कहते हैं, वहां उसको सूखने को डाल दीजिए, 3 दिन में वो सूख के तैयार हो जाएगा, डिब्बे में भर के रख लीजिए, इसका असर 3 गुना बढ़ जाएगा अगर आपने ऐसे तैयार करके मेथी दाना खाया। वो आप ले सकते हैं, बाजार में मिलती है तो ले सकते हैं, लेकिन उसके तैयार करने की विधि क्या है वो मैंने बता दी है, आप चाहें तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। मेथी दाने के और कई प्रयोग मैं आपको बताता हूं, अद्भुत है ये मेथी दाना। कई बार छोटे छोटे बच्चों को कान में दर्द होता है, बहुत तेज होता है, और इतना तेज होता है कि बेचारे वो चिल्लाते ही रहते, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कोई पेन किलर दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा, जितनी देर उसका असर रहेगा उतनी देर बच्चा शांत रहेगा, फिर दर्द शुरू होगा, फिर चिल्लाएगा। ऐसे किसी भी बच्चे को दर्द है, बहुत तेज दर्द है, तो सरसों का तेल या नारियल का तेल या तो गाय का शुद्ध घी, जो भी आपके घर में है, इसमें मेथी दाना डाल के गर्म करिए, खूब गर्म करिए, और गर्म करके थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा करिए, और ठंडा करने के बाद उसको एक थेम कान में डाल दीजिए, एक ही थेम डालेंगे, 5 मिनट में दर्द बंद हो जाएगा, 5 ही मिनट में दर्द बंद हो जाए, और शायद दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और दोबारा दर्द नहीं आएगा। तो ये मेथी दाने का ऐसा भी एक उपयोग, और एक उपयोग बताता हूं मेथी दाने का। दूसरे तेल में आपके पास अगर शुद्ध नारियल का तेल है, देशी गाय का घी है, और शुद्ध सरसों का तेल है, और अगर चाहिए तो शुद्ध तिल के तेल में भी चल जाता है। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है तो आप चाहें सीधे मेथी दाना ही कान में डाल दीजिए, हाँ, और 5 मिनट उसको बोलिए कान को ऐसे ही रखिए, थोड़ी देर के बाद कान को वो ऐसे करेगा तो मेथी दाना अपने आप कान से निकल जाएगा, और उसके बाद दर्द भी निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा, आप परेशान मत होइए, दर्द जैसे ही खत्म हुआ कान नीचे करते ही दाना निकल गया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं निकला, अटक गया, तो उस कान में थोड़ा गुनगुना कोमट पानी डाल दीजिए, पानी के साथ निकल जाए।
और इसका एक उपयोग बताता हूँ। मेथी दाने का बहुत अच्छा एक उपयोग है, पिछले 5-6 साल से मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ऐसे पेशेंट पर जिनको नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती। ऐसे कई लोग 4-4 गोलियां खाते हैं कंपोज की, फिर भी करवट इधर से उधर बदलती रहते, नींद ही नहीं आती। ऐसे लोगों को क्या करिए, उनके दो अंगूठे हैं ना हाथ के, राइट और लेफ्ट, ये अंगूठे का साइड का हिस्सा, ये एक साइड है, ये एक साइड है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, साइड नाखून है उसके बाजू वाला हिस्सा दोनों तरफ, यहां पर मेथी दाना रख के पट्टी से बांध दीजिए, और वो पट्टी आती है ना टेप, सेलो टेप आता है जिसपे पानी का असर नहीं होता, वो टेप बांध दीजिए, इधर 3-4 दाने रखिए टेप बांध दीजिए, इधर रखिए टेप बांध दीजिए, दोनों हाथ में। जैसे ही आप ये बांधेंगे तो 20 मिनट से लेकर 40 मिनट में बहुत जबरदस्त नींद आ जाएगी और वो सो जाएगा और अच्छे से सोएगा। कच्चा मेथी का दाना, सीधा कच्चा मेथी का दाना नाखून के नजदीक वाले हिस्से में 5-4-5 दाने रख के ऐसे टेप से बांध दीजिए, इधर भी दोनों हाथ में, बहुत भरपूर नींद आती है। और जिनको सिर दर्द होता है आधे में, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जिसको माइग्रेन कहते हैं, उनको भी यही बांध दीजिए तो सिर दर्द चला जाएगा। अंगूठे में बांधने से? जी, अंगूठे के नाखून के दोनों साइड में, हाँ जी अंदर की बात, दोनों हाथों में करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और क्या कर सकते हैं इस मेथी दाने जी, अगर आप इसको टेप से बांधेंगे 4-5 दिन उसमें कुछ हरकत नहीं, बंधा रहने दीजिए, 4-5 दिन के बाद फिर टेप निकालिए, नया मेथी का दाना भर दीजिए, फिर बांध दीजिए। इस पर बस इतना ही ध्यान रखिए पानी ना गिरे, मेथी का दाना गीला ना हो, जब तक गीला नहीं है तब तक वो काम करेगा। और एक इसका आप चाहे तो प्रयोग कर सकते, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है आपको, बहुत तेज दर्द हो रहा है और आपके पास कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं है और दर्द आपको कम करना है, तो जिस स्थान पर भी दर्द हो रहा है वहीं पे 4-5 दाने मेथी के रखिए और पट्टी लगा दीजिए सेलो टेप, 10 मिनट के अंदर ही दर्द चला जाएगा। जहां भी दर्द हो रहा है, मान लीजिए यहां दर्द हो रहा है, माथे पर मेथी दाने रखिए और एक पट्टी लगा दीजिए, 5-7 मिनट आराम से बैठ जाइए, दर्द कम होना शुरू होगा, थोड़ी देर में खत्म। मेथी के दाने में ऐसा क्या है आप ये पूछोगे जो ये सब करता है, भगवान ने इसको अद्भुत बनाया है। वैसे तो अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं लेकिन ये विशेष औषधि है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है, सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मेथी दाने में सबसे ज्यादा, ये बिल्कुल चुंबक की तरह से काम करता है मेथी दाना। यहां अगर दर्द है तो यहां बांध लो, मेथी का दाना रखो, पट्टी बांध लो, सब दर्द को खींच ले, गुर्गे का भी, गुर्गे का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, हाथ की कोहनी का दर्द हो, कहीं भी दर्द है, इसमें खींचने की ताकत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका बहुत है, दूसरे सभी औषधियों की तुलना। इसलिए मैं सबको बोलता हूं स्वयं पाक घर में कुछ हो या ना हो मेथी का दाना जरूर रखिए, सस्ता है, ज्यादा महंगा आता नहीं, मैंने बोला एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, 2 साल 5 साल 10 साल भी खराब होता नहीं है और कहीं भी किसी भी गांव में आसानी से मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, आपको तकलीफ नहीं करेगा, ये फायदा नहीं किया तो तकलीफ तो कुछ नहीं कर देगा। और यही मेथी का दाना और एक काम में आता है, अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया और घाव हो गया तो आप मेथी के दाने की चटनी बनाइए और उस घाव पे लगा दीजिए, कुत्ते के काटे हुए घाव को सबसे तेजी से भरने की ताकत इसमें है, इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेथी का दाना पानी में डाल के खाइए, बांध लीजिए सिर पे, पॉइंटेड पेन कहीं भी है पूरे सिर में है तो बांधने का काम नहीं चलेगा, फिर तो खाइए मेथी का दाना, खाने से बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंटेड पेन कहीं भी है शरीर के किसी भी हिस्से में, बांध दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, तुरंत असर दिखेगा उसका, हृदय पे भी बहुत अच्छा परिणाम हो। अगर आपको हृदय की तकलीफ है तो हृदय क्षेत्र में रोज रात को मेथी दाने की पट्टी लगा के वो लगा दीजिए सेलो टेप,
बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसको खाने में उपयोग तो ले ही सकते हैं, बाहरी भी इसका उपयोग बहुत है, जिसको एक्सटर्नल यूज कहते हैं। पहचानने का, मेथी का दाना सबसे अच्छा वो होता है जो छोटा हो और तीखा हो, खाने में जितना तीखट होगा उतनी ही क्वालिटी अच्छी, बेशी होगा उतनी क्वालिटी अच्छी। कब्जियत में बहुत अच्छा परिणाम करेगा। जिनको भी कब्जियत है वो रात को सोने के पहले मेथी दाने का पाउडर एक चम्मच गर्म पानी के साथ पी के सोए, बिल्कुल कब्जियत ठीक कर देगा आपकी। वात से जुड़े हुए रोग और कफ से जुड़े हुए रोग कुल मिलाकर 73 हैं, 73 रोग हैं, वो पूरे के पूरे मेथी दाने से ठीक होते हैं। वात और कफ, पित्त को छोड़कर वात और कफ के जितने भी रोग हैं वो सबको ठीक करने की ताकत इस मेथी के दाने में है। तो आप उसको भरपूर इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा। और कम से कम स्वस्थ हैं तो हफ्ते में एक दिन तो मेथी दाना खा ही लीजिए, किसी ना किसी बहाने से खा लीजिए, चाहे सब्जी बना लीजिए, चाहे पाउडर ले लीजिए, चाहे गिलास पानी में भर के डाल के ले लीजिए, किसी ना किसी बहाने से मेथी दाना खाते रहिए। रक्त अच्छा रहेगा, रक्त प्रवाह अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं जमेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, डायबिटीज नहीं होगी, गुर्दे का त्रास नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, कंधे का दर्द नहीं होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, कब्जियत नहीं होगी, कोष्ठबद्धता नहीं होगी, मलबद्धता नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे रोग ठीक रहे। वो भी अच्छी है, हरी मेथी की सब्जी तो पूरे साल नहीं मिलती, लेकिन जितने दिन मिलती है खाइए, 3 महीने मिलती है लगातार खाइए, 4 महीने मिलती है लगातार खाइए, लेकिन मेथी का दाना पूरे साल मिलता है, कभी भी नहीं। ठीक है, अब एक आखिरी माहिती, माताओं को शरीर में गर्भाशय से संबंधित जितने रोग होते हैं वो सबकी सबसे अच्छी दवा यही है, मेथी का दाना। जैसे मासिक पाड़ी से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, मासिक पाड़ी समय से नहीं आती, आती है तो बहुत रक्त जाता है या बिल्कुल नहीं जाता है, या बहुत दर्द होता है, या चिड़चिड़ होने लगती है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है उस समय, ये जितने रोग हैं मासिक पाड़ी के, ये सब की औषधि मेथी का दाना। और एक नमन की कि सभी आयु को 45-50 साल की उम्र में मासिक पाड़ी बंद होती है, उस समय शरीर में जो हार्मोन का चेंज होता है उसकी भी सबसे अच्छी औषधि यही है, मेथी का दाना। तो अद्भुत है ये मेथी का दाना, आप इसको जरूर रखिए, अपने जीवन में भरपूर इस्तेमाल करिए। ठीक है, अभी जितना मैंने बताया मेथी के दाने का, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं दूसरी माहिती अब देता हूँ। मट जो है जी, मठ का मेथी के दाने की बात चल रही है, अंकुरण हो जाता है। हाँ ठीक है, चलेगा। अगर मेथी के दाने को भिगा के थोड़ी देर आप रखेंगे कपड़े में बांध के, गीले कपड़े में, तो अंकुरण हो जाएगा। अंकुरित किया हुआ तो बहुत ही अच्छा है, खा सके तो खाइए, उसका तीखटपन बढ़ जाता है अंकुरण होने के बाद, खा सकते हैं तो जरूर खाइए, नहीं खा सकते तो वैसे ही खाइए जो पहले तो बताया। जी गर्मी में किसी को भी चलेगा, जिसको वात की तकलीफ है, कफ की तकलीफ है, जिनको वात और कफ नहीं है उनको गर्मी में मेथी दाना नहीं खाना चाहिए। वात और कफ की तकलीफ है तो जरूर खाना चाहिए, और वात और कफ की तकलीफ के रोग सब मैंने बता दिए, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी होना, हृदयघात होना, ये सब वात और कफ से जुड़े हुए रोग हैं। जिनको भी ये रोग हैं उनको मेथी दाना गर्मी में भी चलता है, जिनको नहीं है उनको गर्मी में ना खाएं तो अच्छा है। हाँ संधिवात यही है, बात में ही संधि आती है, संधिवात माने अर्थराइटिस, अर्थराइटिस माने गाउट, और गाउट और ये सब एक ही फैमिली की डिसीज, बात से जुड़ी हुई, तो उसमें मेथी दाना तो सबसे आवश्यक है और बहुत अच्छा है। साइंस की तकलीफ वालों को अगर रक्त निकलता है तो मेथी दाना ना खाएं तो अच्छा,
और अगर रक्त नहीं है, सूखा है, तो जरूर मेथी दाने से ठीक हो जाएगा। पानी में उबाल के ले सकते हैं? पानी में उबाल के मेथी दाना लेने की जरूरत नहीं है, पानी में डाल के रख दीजिए और थोड़े दिन में या थोड़ी देर उबला हुआ पानी पी सकते हैं। उबला हुआ पानी पीने की जरूरत नहीं है, मेथी दाने को गर्म करना अच्छा नहीं होता। 3 से 4 महीने बस, फिर बीच में एक छोटा ब्रेक दे दीजिए, फिर 3-4 महीने खा सकते हैं। जी, गाय के गोमूत्र में मेथी दाना भिगो के 1 दिन रख दीजिए, फिर निकाल के छांव में सुखा लीजिए, फिर उसको डिब्बे में भर के रख लीजिए, फिर उसका उपयोग करें। बाजार में गाय का क्या उपचार होता है? बाजार के घी की गारंटी नहीं देता, क्योंकि बाजार में तो घी के नाम पर बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आपने अगर गाय पाली है, दूध निकाल के घी बनाया, तो उसकी गारंटी है। बाजार में कोई बहुत आपका खास परिचित आदमी है तो देख लीजिए, मेरे को भरोसा नहीं होता कि बाजार में शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है। भेड़ सेड़ करके मिला देते, भैंस का भी देंगे, गाय का भी देंगे, जर्सी का भी मिला देंगे, और उनको कुछ मिल गया तो वो भी मिला देंगे। शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए, तो गाय घर में रखिए। अगर आप स्कूटर रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते, मोटरसाइकिल रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते, कार रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते। ये स्कूटर मोटरसाइकिल तो तेल खाता है, धुआं देता है, वो गाय तो बेचारी सूखी घास खाती है और अमृत देती है दूध, तो आप रखिए गाय घर के साथ। कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मैं आगे चल रहा हूँ, मेथी के बाद एक दूसरी जानकारी देने वाला। जी जी, क्या बोला? मासिक पाड़ी में वही, रात को पानी में डालिए, रात भर पानी में रखा रहने दीजिए, सुबह उठकर पानी पीना है, पीछे से दाना चबा के खाना। लेकिन आपको अगर मासिक पाड़ी की कोई भी तकलीफ है तो जब पाड़ी का समय है तब लेने की जरूरत नहीं है, पहले से ले लीजिए तो पाड़ी तक ठीक ही कर देगा। 15-20 दिन ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ले लीजिए। आगे चले, चलिए। एक चीज मैंने बोली मेथी का दाना, ऐसी एक दूसरी चीज और बताता हूं जो बहुत अद्भुत है, वो भी आपके घर में हो तो मजा आएगा, वो कई बीमारियों को दूर करने की उसमें भी शक्ति है।